हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स जो बेटा चैप्टर नंबर दूसरा है बहुपद, उसकी जो प्रश्नावली 2.3 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तीन ही क्वेश्चन है और बहुत आसान सी प्रश्नावली है। जो प्रश्नावली है बेटा वो जो प्रमेय है आपका शेषफल प्रमेय, इस पर आधारित है। शेषफल प्रमेय क्या होती है मैं आपको पढ़ देता हूँ, बट इसको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको क्वेश्चन करवाते हुए समझा भी दूंगा कि ये क्या होता है। कह रहे मान लीजिए पी एक्स एक से अधिक एक प्रकार एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है, यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ए होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास जो बहुपद होगा, ठीक है, जो बहुपद होगा बेटा उसकी घात एक होगी या एक से अधिक होगी, ये बोला जा रहा है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। लिख तो लोगे आप किताब से, देख के आपने लिख लिया होगा, मतलब समझना ज़्यादा ज़रूरी है। शेषफल प्रमेय बेटा, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और कक्षा 10 की जो गणित है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है, आप देखेंगे तो। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया बेटा, एक मान लिया मैंने एक बहुपद, माना बहुपद, ठीक है, बहुपद पी एक्स से प्रदर्शित करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, ये बहुपद है। अब इसकी घात कितनी है, अगर तुमसे बेटा कोई घात पूछे तुम क्या बताओगे घात कितनी है, तो अधिकतम देखते हैं एक्स की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो इसकी घात कितनी बेटा 2 है। तो यही बोल रहे हैं कि जो बहुपद होगा उसकी जो घात होगी या तो एक होगी या एक से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ले लिया हमने घात 2 है, और मैंने एक बोला, ठीक है, गुणनखंड बोल दिया, या फिर इसका गुणज मान लेते हैं, माना गुणज एक्स माइनस 1 है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। अब आपको मैं सीधा चीज बताता हूँ, जिस गुणज को बोलेगा ना आपको क्या करना है, उस गुणज को 0 मान लो जिसके लिए बोलेगा, और यहाँ माइनस में रख के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब आपको जो बहुपद दे रखा था बेटा वहाँ पे मान रख देना है, एक्स की जगह पे क्या रख देना है, 1 रख देना है, तो एक्स की जगह 1 रखा, 1 का वर्ग यहाँ 2, तो 1 का वर्ग 1 यहाँ 2, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका जो शेषफल होगा अगर तुम इससे इसमें भाग दोगे, भाग देना भी मैं सिखाऊंगा बेटा आगे चलकर, कक्षा 10 में भी ये चीज फिर से आएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शेषफल कितना आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, शेषफल कितना आएगा आपका, 3 आएगा। तो इस प्रमेय को हम क्या कहते हैं बेटा, शेषफल प्रमेय कहते हैं। अगर मैं आपको बेटा भाग देना सिखाऊँ ना, जैसे देखो ये एक्स माइनस 1 से हमें भाग देना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 में, थोड़ा सिखा देता हूँ, एक्स्ट्रा ही मैं हमेशा सिखा दूँ। अभी इसको समझ जाओगे तो प्रश्नावली बहुत ही आसान है, झट से हो जाएगा। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे भाग दिया जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ हो रहा है बेटा। इसका पहला पद लेते हैं, ले लिए पहला पद, इसका पहला पद लेते हैं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, और जब भाग करते हैं, भाग करने पर क्या होता है ना, घात घटती, 2 में से घटाओगे 1 आ जाएगा, तो घात 1 ऐसे लिखते हैं, एक्स की पावर में 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब जो भी आया है ना उसकी गुणा इस पूरे में कर देते हैं, एक्स को एक्स से जब गुणा करोगे एक्स की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात 1 है, इसकी घात है, गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 2 हो जाएगा, एक्स एक कम एक्स, इधर कहीं एक्स है क्या, नहीं है, तो समान पद के नीचे समान पद रखा जाता है, ये हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, घटाते हैं, घटाने पर ना चिन्ह बदलता है, यहाँ लिख दो घटाने पर, तो ये प्लस का है बेटा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस कटा, ये आ गया प्लस का एक्स, और ये प्लस का 2 नीचे हासिल उतर गया। ठीक, अब इसकी का ये वाला पहला बदलो फिर से, और ये वाला पहला बदलो फिर से, एक्स एक कम एक्स, तो प्लस का 1 आ गया, यहाँ लिख देंगे, और 1 से गुणा कर देंगे, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही रहता है, एक्स माइनस 1 को 1 से गुणा करोगे एक्स माइनस 1 ही रहेगा। अब फिर क्या करते हैं बेटा, फिर हमें घटाना होता है, घटाने पर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा,
कटा दोहरे कितना गया तीन, तो ये तीन क्या है बेटा शेषफल। देखो मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि तीन मेरा शेषफल आएगा, और इतना चीज़ करना पड़ता तब जाके आपको शेषफल तीन मिलता, और आपको शेषफल प्रमेय से फट से तीन मिल गया था, मिल गया था। तो यही होता है शेषफल प्रमेय, और ये इस प्रमेय का सबसे ज़्यादा आपको सरल बना देता क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये देखो बेटा कितना लंबा चौड़ा किया तब जाके तुम्हें तीन मिला, और यहाँ पर फट से मिल गया था। तो ये होता है शेषफल प्रमेय, समझ गए होंगे बेटा, मैंने आपको सबको डिटेल में समझा दिए। अब आते हैं प्रश्नावली 2.3 में, ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है। कह रहे हैं एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, शेषफल ज्ञात करना है। तो चार पार्ट से बेटा प्रश्नावली 2.3, मैं पहले लिख देता हूँ प्रश्नावली हमारे पास है 2.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट, जैसे एग्जाम में लिखना है ना बेटा वैसे ही लिखा रहा हूँ, दिया है, क्या दे रखा है बेटा हमें, पहले सबसे पहले बहुपद दे रखा है मैं, जो वो लिख दूँ, बहुपद जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स की घात तीन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, ये बहुपद हमें दे रखा है। और पहले वाले पार्ट इससे हमें भाग देना है, ठीक है, इससे हमें क्या करना है बेटा, भाग देना है, जिससे हमें भाग देना है उसको हम लिखते हैं क्या, क्यू एक्स, हमें क्या दे रखा है बेटा, क्यू एक्स दे रखा है एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन, फिर लिखेंगे अर्थात एक्स प्लस वन जो दे रखा है उसको जीरो मान लेते हैं, तो प्लस का वन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के वन, ठीक, ये लिखोगे और यहाँ लिख दोगे शेषफल प्रमेय द्वारा, लिखोगे बेटा शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय क्या होगा बेटा, ये जो बहुपद है इसके जगह पर क्या रख, एक्स के जगह पर क्या रख दोगे, माइनस के, इस पूरे समीकरण में, ठीक है, एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे बेटा, माइनस के वन रखेंगे, माइनस वन की घात तीन माइनस वन का स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स था बेटा वहाँ वहाँ मैंने माइनस की वन रख दिया, माइनस वन की घात विषम संख्या तो माइनस वन आ जाएगा, ये हो जाएगा सम संख्या तो प्लस में आते हैं, तीन एक कम तीन, ये प्लस का एक माइनस के एक कटा, और ये आ गया प्लस के तीन माइनस के तीन, तो पहले वाले का शेषफल क्या होगा बेटा, जीरो, ठीक है, अतः शेषफल जो होता है बेटा आर एक्स से प्रतिशत किया जाता है, और ये होगा आपका जीरो, ठीक है, ये क्या होता है बेटा जीरो। अब आपको मैं चीज़ बता देता हूँ, ये आप कॉपी में लिख लेना नोट करके, जो पी एक्स होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, इसके बराबर होता है, ठीक है, इस चीज़ के बराबर होता है, ये चीज़ आपने पहले पढ़ भी रखी हो जानते होंगे, इसे बोला जाता है भाज्य, ठीक है, और जी एक्स को बोला जाता है भाजक, जी एक्स को बोला जाता है भाजक, और क्यू एक्स को बोला जाता है भागफल, और आर एक्स को बोला जाता है बच्चों शेषफल। भाज्य जो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से होगी पहला वाला पार्ट। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट में, इसके लिए निकालना है एक्स, ठीक है, द्वितीय पार्ट क्या दे रखा है बेटा, क्यू एक्स, आपको सेकेंड वाले पार्ट में आपको क्यू एक्स दे रखा है एक्स की ये चीज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अब आपको क्या करेंगे बेटा, चूंकि एक्स माइनस वन बाई टू इसको जीरो मान लेंगे तो एक्स के माइनस का एक बट्टे दो दे रखे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का एक बट्टे दो, ठीक, प्लस का एक बट्टे दो हो जाएगा, अतः शेषफल प्रमेय द्वारा, ये लाइन लिखनी है, जो बहुपद है पहले उसे लिख लेते हैं ना, बहुपद क्या दे रखा था बेटा, एक्स क्यूब प्लस के थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन,
ठीक है, यहाँ रखना x की जगह पर, जहां जहां x दिख रहा है आपको 1/2 रख देना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक। फिर इसको हल कर लेंगे, 1 की घात कुछ भी, अच्छा 3 था, कुछ भी हो 1 ही होता है। 2 की घात 3, 2 को 3 में गुणा, 2 3 4 2 8, 3, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 1 कम 3 बट्टे में 2। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, 8 1 कम 8, 1 1 कम 1, 4 2 8, 2 बार गए 2 3 6, 2 चौके 8, 4 3 12। इसके बट्टे में क्वेश्चन, 1 8 8, 8 1 कम 8, 20 26 27, 27/8, ठीक है। अतः शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 27/8 हो जाएगा आपका शेषफल। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आ जाओ बेटा नेक्स्ट। एक्स, सिर्फ एक्स दे रखा है, ये तो और भी आसान है बच्चों, ठीक है। क्यू एक्स सबकी बार क्या दे रखा है बेटा, एक्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको जीरो मानेंगे, चूंकि एक्स बराबर जीरो मानेंगे तो एक्स का मान जीरो ही हो जाएगा, अतः शेषफल प्रमेय द्वारा P0, x की जगह पर 0 रखना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है बेटा आपको क्या रखना है, 0 रखना है, इधर 0, इधर 0, इधर 0, 0 की घात 3, 0 स्क्वायर, 3 × 0 + 1, तो 0 की घात कुछ भी हो 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0, और ये आ जाएगा 1, ठीक है बेटा। तो जो शेषफल होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 1, ठीक, आराम से हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इसके चौथे पार्ट पर। चौथे पार्ट में क्यू एक्स क्या दे रखा है बेटा, एक्स प्लस पाई, ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक्स प्लस पाई दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि एक्स प्लस पाई को आप जीरो रखोगे तो प्लस का पाई दे रखे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस की पाई, ठीक। फिर क्या लिखोगे, शेषफल प्रमेय द्वारा, ठीक है, पाई है माइनस के, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां आपको क्या रख देना, पाई रख देना है, तो यहां से आ जाएगा माइनस पाई क्यूब, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 3π² माइनस के 3π प्लस के 1, यही छोड़ दो, यही आपका शेषफल है, ठीक बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम आराम से बन गया। पांचवें पार्ट पे आ जाओ बच्चों, पांचवें पार्ट पे हमें क्या दे रखा है बेटा, क्यू एक्स, पांचवें पार्ट हमें दे रखा है क्यू एक्स 5 + 2x, ठीक है, मैं ये अंदाजे भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है कॉपी में, किताब में, चूंकि इसको जीरो रखेंगे हम बेटा, एकदम सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, प्लस का 5 इधर के माइनस का, और ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, एक्स का मान आएगा माइनस के 5/2, ठीक है, तो ये हमें दोगे, अतः शेषफल प्रमेय द्वारा, तो जहाँ जहाँ आपके बेटा x दिख रहा था आपको, ये आपको दे रखा ना x, x की जगह पर क्या रख देना बेटा, माइनस के 5/2 रख देना, जहाँ जहाँ x है, तो माइनस के 5/2 का वर्ग, फिर क्या है बेटा, 3x² था, 3x की जगह पर रखना माइनस के 5/2, फिर आपका 3x है, माइनस के 5/2 प्लस 1, इसको हल कर लीजिए, माइनस की घात 3 है तो माइनस लग जाएगा, 5 25 5 125 / 8, 25 3 75 / 4, माइनस 5 3 15 / 2 + 1,
इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, 900 पे आ जाएगा 8, 8 × 1 = 8, 1 को 125 से गुणा करेंगे वही रहेगा, 4 × 2 = 8, 75 × 2 = 150, 2 × 15 = 60, 1 × 8 = 8, 8 × 1 = 8, ठीक है। ये प्लस का 150 है, ठीक है, ये 8 प्लस का 158 है प्लस का, माइनस का 60, और ये आ जाएगा माइनस के 185 बट्टे में 8, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल करो तो ये आ जाएगा माइनस के 27 बट्टे 8, ठीक है बेटा। अतः शेषफल क्या होगा बच्चों, जो शेषफल आर एक्स हो जाएगा माइनस के 27 बट्टे 8 आंसर, ठीक, बढ़िया, एकदम आराम से बन गया। तो ये पांचों पार्ट हमने कर लिए, ठीक है, पांचों पार्ट हमने आराम से कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट पे, क्या है, x³ - ax² + 6x - a को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही क्वेश्चन है, बस शब्दों में लिख दिया है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, हमें बहुपद क्या दे रखा है बेटा, दिया है जो बहुपद px हमें दे रखा है वो दे रखा है बेटा 3x³, मेरी नज़र दूसरे क्वेश्चन पर चली गई, हमें क्या दे रखा है x³, 3 नहीं बेटा, फिर से लिख देते ना, x³ - ax² + 6x - a, ठीक है। और हमारा क्यू एक्स क्या दे रखा है बेटा, किससे भाग देना है हमें, x - a, ठीक है, इससे हमें भाग देना है, क्लियर। तो देखो बेटा, अब जब हम भाग देंगे क्यू एक्स से तो क्या हो जाएगा, इसको समीकरण मान लो, तो क्या लिखोगे, चूंकि x - a इससे भाग देना है, इसको जीरो के बराबर रखोगे तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का a। अब आपको क्या रखना है, अतः शेषफल प्रमेय द्वारा जहां जहां x से बच्चों क्या रख देना है, a रख देना है, pa, x³ है यानी कि a³, x² बटा यहाँ आ जाएगा a², फिर प्लस 6x यानी कि 6a, फिर ये a नॉर्मली है, a³ और a, ये हो जाएगा 1³, 6a में से a माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5a, प्लस का a³ - a³ कटा तो क्या बचा बेटा, 5a। अतः शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों, 5a, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतना इजी था, ठीक, आराम से हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में आते बेटा, कह रहे जांच कीजिए 7 + 3x इसके गुणनखंड है या नहीं है। देखो बेटा, अगर गुणनखंड होता है ना, तो जब हमारा शेषफल जीरो आएगा तभी गुणनखंड होगा, अगर शेषफल जीरो नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाऊँ, दिया है जो बहुपद हमें दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 3x³ + 7x, और जो दूसरा जिससे हमें भाग देना वो दे रखा है 7 + 3x। यदि qx px का 1 गुणनखंड है, तो अगर ये px इसका गुणनखंड है तो क्या होगा ना बेटा, तो rx किसके बराबर होगा, rx हमेशा शून्य होगा, ये कॉपी में लिख लो, ठीक है। अगर शेषफल 0 नहीं आ जाता तो गुणनखंड नहीं होगा। अब
अब हमें क्या करना है बेटा, इसको ज़ीरो रखना होता है, 7 + 3x = 0, प्लस का 7 दे रखे माइनस का, और ये गुणे में रखे क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे का। फिर क्या लिख दोगे, अतः शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा हम क्या करेंगे बच्चों, इस x का मान इस बहुपद में रख देंगे, है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखोगे बेटा, माइनस के 7/3। हल करो इसको, घात में 3 है या विषम संख्या यानी कि माइनस तो लग जाएगा, और 7 × 49 × 7/3 है तो तोड़ के लिख दिया, ठीक है, और यह जाएगा 7 × 49/3। तो यहाँ से क्या बचा बेटा, माइनस का 7 × 9 = 63 और 6 बचा हासिल, 7 × 28 = 28 और 6 = 34 / 9 और ये 49/3, ये ज़ीरो आ रहा है कभी, ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख दोगे, चूंकि आर एक्स का मान शून्य नहीं है, अतः क्यू एक्स गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से आपको करना है। मैंने ये प्रश्नावली बच्चों आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा के करा दी है, आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो बेटा वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, ख्याल रखिए अपना, और आपको जो भी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। क्लास 10th की मैथमेटिक्स तो मैंने पूरी पढ़ाई रखी है, 9th की साइंस भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें।